तो गाइज़ आज का टॉपिक है टैनिंग, हमें टैनिंग को कैसे रिमूव करना चाहिए वो भी घर पे। तो गाइज़ मैं आपको बताऊंगी, आप बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल नीतिका टिप्स, मैं हूँ नीतिका। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि आपको घर पे टैनिंग को कैसे रिमूव करना है, वो भी जो मैं इन्ग्रीडियंट यूज़ कर रही हूँ वो आपके किचन में ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको बाहर से लाने की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ जो फर्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर हाफ टमाटो स्लाइस लेकर के टर्मरिक ऐड करके अपने फेस पे रब कर रही हूँ। आपको रगड़ना नहीं है, आपको अपने फेस पे रब करना है। और गाइस टैनिंग की जो समस्या है वो हर किसी को हो सकते हैं, मैन वूमेन बच्चा बूढ़ा सबको हो सकती है। और तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि टैनिंग होती क्या है। तो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, और जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स जो एक्सपोज होते हैं और जो उन पर धूप पड़ने की वजह से जो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, तो उसे हम सनटैन कहते हैं। और जो ये वाली टैनिंग होती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा काला कर देती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप घर से बाहर निकले उससे 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन आपको कैसे लगानी है, कौन सी चूज़ करनी है, अगर आप वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक पे मैं आपको बिल्कुल अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगी हमें जो सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए उसमें SPF 50 होना चाहिए, SPF 50 और PA++++ होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मैं मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे सनस्क्रीन है, आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। और जो सेकंड स्टेप है उसके लिए हम यहाँ पे पैक तैयार करेंगे, ये वाला पैक हमारी स्किन पे एक अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके स्किन को ब्राइट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर कॉफ़ी। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है कोरियन ब्यूटी सीक्रेट, जी हाँ चावल का आटा ले रही हूँ मैं। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टोमेटो की प्योरी, मैं जो हाफ टोमेटो बच गया था उसकी प्योरी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और एलोवेरा जेल यूज़ करने के बाद आपको एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। और गाइस ये आपको करना, आपको जैसे पता ही है कि हम धूप में निकलते ही रहते हैं तो हमारे फेस पे टैनिंग जमती ही रहती है, तो उसके लिए आपको इसको वीक में 3 से 4 बार आपको यूज़ करना है और आपको उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी सारी टैनिंग रिमूव होगी। लेकिन हाँ, आपको जो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने फेस पे पैक लगा लूँगी, एक अच्छी सी आपको थिक सी लेयर लगानी है, मैं यहाँ पे अच्छी सी लेयर लगा रही हूँ। और इसमें जो राइस का आटा है वो हमारी स्किन पे वाइटनिंग इफेक्ट देगा, कॉफ़ी भी हमारी स्किन को ब्राइट करती है। और मैं अपने फेस पे इसको लगा लूँगी और देन मैं वॉश करके आपको इफ़ेक्ट दिखा देती हूँ गाइस। सो गाइस 10 से 15 मिनट रखने के बाद मेरा पैक ड्राई हो गया है और मैं स्पॉन्ज की मदद से मैं यहाँ पे अपने जो फेस को क्लीन कर रही हूँ। आपको बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आपको फेस वॉश नहीं करना है, आपको भी कोई आप अपना कॉटन पैड लेकर के, आपको जो भी ठीक रहे, आप कोई हैंकी लेकर के अपने फेस को आप ऐसे क्लीन कीजिए और देन अपने फेस को वॉश कीजिए, क्योंकि गाइस जो हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और जो हमारी डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी और आपको पता ही है कि हमारी स्किन पे अच्छा सा ग्लो तो आने वाला है। तो आपको इसको डेफिनेटली ट्राई करना है गाइस। मैं आपको यहाँ पे अपना फेस वॉश करके दिखा देती हूँ अपना फाइनल रिजल्ट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।